राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही जंग अभी थमी नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 29 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं के हाथ खड़े करवाते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन झालावाड़ में कुछ और ही नजारे देखे जा रहे हैं। पायलट खुद कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके समर्थक बता रहे हैं कि उनके नेता तो केवल सचिन पायलट है। तभी तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के एंट्री पॉइंट पर सचिन पायलट की ही तस्वीर नजर आ रही है। चौली गांव से लेकर झालावाड़ तक सैकड़ों पोस्टर और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अधिकतर पोस्टर और होर्डिंग्स में राहुल गांधी के साथ बड़ी तस्वीर सचिन पायलट की नजर आ रही है। इन पोस्टर में अशोक गहलोत की फोटो को काफी छोटा कर दिया है और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तो गायब ही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर की शाम को मध्य प्रदेश से झालावाड़ जिले के चौली गांव से राजस्थान में प्रवेश करेगी। चौली गांव से लेकर रायपुर होते हुए झालावाड़ तक स्थानीय नेताओं ने सैकड़ों पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए हैं। पूरे रास्ते में सड़क किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, साथ ही चौराहे तिराहे और सर्किल पोस्टर से अट पड़े हैं। स्थानीय नेताओं ने राहुल गांधी के स्वागत में ये पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए हैं। इनमें राहुल के साथ सचिन पायलट की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। कुछ फोटो में प्रियंका गांधी की बड़ी तस्वीर भी है। अशोक गहलोत की फोटो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ गोले में छोटी सी लगाई गई है। कई पोस्टर में से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को गायब कर दिया गया है। पार्टी के बड़े नेता भले ही ये जताने का प्रयास करें कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन गहलोत और पायलट के कट्टर समर्थकों को ये मंजूर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का अधिकतर रूट गुजर बाहुल्य क्षेत्रों से गुजर रहा है। इन इलाकों में रहने वाले पोस्टर्स और होर्डिंग्स के जरिए बताना चाहते हैं कि वे किसे अपना नेता मानते हैं। सब जानते हैं कि गहलोत समर्थित कई नेता इन दिनों सचिन पायलट की खुलकर पैरवी कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक बार फिर बड़ा ड्रामा होने के पूरे संकेत दिए गए थे, लेकिन आलाकमान के इशारे पर कुछ दिन मैनेज करने की कोशिश की गई है। सचिन पायलट समर्थक नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके नेता को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाया जाए। कई विधायक बयान दे चुके हैं कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा तो यहाँ तक कह चुके हैं कि सचिन पायलट ही ऐसे नेता है जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। बिना कुछ फैसला किए ही कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत और पायलट में सुलह होना बताया है। ऐसे पायलट समर्थकों में काफी निराशा है। झालावाड़ के स्थानीय नेता इन पोस्टर्स और होर्डिंग्स के जरिए अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। राहुल गांधी चौली गांव के पास संजय डांगी के खेत में रात्रि विश्राम करेंगे। संजय डांगी के खेत के आसपास सरकारी योजनाओं के पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अशोक गहलोत राजस्थान सरकार की योजनाओं का जिक्र गुजरात और हिमाचल में लगातार करते आए हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कह चुके हैं कि जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में है वैसी देश में कहीं भी नहीं है। उन सभी योजनाओं का जिक्र इन पोस्टर्स और होर्डिंग्स में किया गया है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।